स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ टुडे वेलकम टू लर्निंग द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.2। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करेंगे हम इसका। राइट नाउ वी आर कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। अ ग्रुप ऑफ वुमेन मेक पापड़ एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ये बोल रहे हैं कि किसी ग्रुप की जो महिलाएं वो पापड़ बनाती हैं। हियर इज अ पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शोइंग द नंबर ऑफ पापड़ मेड पर डे। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया कि वो कितने मतलब एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। वो बोल रहे हैं कि 7 दिनों में वो बहुत सारे पापड़ बनाती हैं। तो ये बोल रहे हैं कि एक जो पिक्चर है वो कितने पापड़ के इक्वल है, 10 पापड़। तो देखिए मंडे को उन्होंने कितने पापड़ बनाए, देखिए पापड़ दे रखे हैं, तो अगर हम इसे काउंटिंग करते हैं तो हमारे क्या आएगा, देखो 10 तो पापड़ के पिक्चर है और 2 टैली मार्क है, ठीक है, तो हम टैली मार्क्स को भी ऐड करेंगे। ओके, तो देखिए कितने पापड़ बनाए मंडे को, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें पता है 5 पिक्चर यहाँ पे दे रखी है और एक पिक्चर का मतलब कितना है, 10, तो 5 10 50। और उसके अलावा टैली मार्क कितने हैं, देखिए टैली मार्क यहाँ पे हमें दे रखे हैं 2 दे रखे हैं। ओके, सो देखिए टैली मार्क 2 हैं तो मतलब यहाँ पे टोटल पापड़ कितने हो गए बच्चों, 52, क्लियर है। इसी तरीके से ट्यूसडे की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 10 मतलब 60, 1 2 3 4 तो 4 × 10 प्लस, और देखिए 1 2 3 4 क्योंकि 4 टैली मार्क है तो 4 10 40 और 40 + 4 इज़ द 54। ओके, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 × 10 इज 70। देखिए 1 2 3 4 5 तो 5 × 10 इज 50 + 3 इज द 53। 1 2 3 3 × 10 + 3 तो 3 × 10 = 30, 30 + 3 इज द 33। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 × 10 और 3 है तो कितने हो गए यहाँ पे, 83। तो ये तो मैंने एक जनरल काउंटिंग की। अब देखो उन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए, आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। बोलते फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम पापड़ मेड, ऑल्सो स्टेट द डे ऑन विच द मैक्सिमम पापड़ वर मेड। तो देखिए सबसे ज़्यादा पापड़ कब बने, तो आप देखो सबसे ज़्यादा पापड़ों की संख्या है 83, क्योंकि इन सारे नंबर्स को जो मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने देखा कि जो सबसे पापड़ कब बने, संडे को। तो देखिए फाइंड द नंबर ऑफ, तो सबसे पहले जो हमारे पापड़ हैं वो कितने हैं, 83, सबसे ज़्यादा पापड़ है 83, और उसके अलावा कौन से डे को बने हैं, हमारे संडे को। तो देखिए डे तो आ जाएगा संडे और नंबर ऑफ पापड़ कितने हो जाएंगे बच्चों, 83, क्योंकि जो 83 पापड़ है वो संडे को बने थे और वो सबसे ज़्यादा है काउंटिंग में। अब देखें ऑन विच डे आउट ऑफ मंडे एंड फ्राइडे मोर पापड़ वर मेड इन हाउ मच। ये बोल रहे हैं मंडे और फ्राइडे को देखो, तो देखिए सबसे पहले जो मंडे को पापड़ बने थे वो कितने थे, 52, एंड फ्राइडे को जो पापड़ बने थे वो कितने हैं, 53। तो बोल रहे हैं कि किस दिन पापड़ ज़्यादा बने, तो यू नो दैट फ्राइडे को जो है पापड़ ज़्यादा बने, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे को पापड़ ज़्यादा बने और कितने ज़्यादा, क्योंकि फ्राइडे को बने थे 53 और और मंडे को बने थे 52, तो दोनों में से 52 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 53 में से जब 50 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या आंसर आ गया, 1। मतलब कि फ्राइडे को पापड़ ज़्यादा बने थे और कितने ज़्यादा बने थे, 1 पापड़ ज़्यादा बना था। ओके, क्लियर। अब देखिए इन्होंने हमें बोला कि आपको एक, अब देखिए इफ़ 1 smile इज इक्वल्स टू 5 children, ये बोल रहे हैं इस एक पिक्चर का मतलब क्या होता है, 5 पिक्चर, एंड टैली मार्क 1 इज इक्वल्स टू 1। ओके, देन मेक अ टेबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट इन 1 week एंड आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं कि आपका ये एक जो स्माइली है, इस एक स्माइली का नंबर है 5 children, और उसके अलावा आप ये जो टैली मार्क भी लगाएंगे, मतलब पिक्टोरियल इस पिक्चर स्माइली के पिक्चर को, और इसको लेके आपको एक पिक्टोग्राफ बनाना है, ठीक है। आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑन विच डे द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर प्रेजेंट, व्हाट इज द सम ऑफ प्रेजेंस ऑफ। तो देखिए ये सारा किस पर डिपेंडेंट है, आप पे इमेजिनली, आप खुद बनाएंगे तो देखो कैसे बनाओगे। सो देखो जब इन्होंने टेबल बनाया तो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने हमें क्वेश्चन में सिंबल गिवन किया था कि इस वन पिक्चर का मतलब होता है 5। तो देखिए बच्चे हमने अज्यूम करके बनाया कि मंडे को कितने बच्चे हैं, 38, तो 38 के लिए देखिए 5 तो हम 7 तो हम पिक्चर बनाएंगे, क्योंकि एक सिंबल मतलब कितने, 7, तो 5 7 = 35। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7
तो ये 5 7 जो 35, और टैली मार्क भी प्री प्रेजेंट करना था तो हमने के लिया 36 37 38। तो जो 35 नंबर है वो तो आपने पिक्चर बना के रिप्रेजेंट किए, और जो 3 है बाकी के उनको आपने टैली बार बनाया। अब इसी तरीके से बोलते हैं ट्यूसडे को 36, तो देखिए 7 पिक्चर और 1 टेलीग्राफ। फिर देखिए 29, तो देखिए 5 5 जा 25, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 4 इन्होंने टैली मार्क ले लिए। फिर देखिए 30, तो 1 2 3 4 5 6, 35 रिप्रेजेंट करने के लिए, तो क्योंकि इन्होंने हमें बोला था कि आपको टैली मार्क और पिक्टोरियल ग्राफ दोनों को रिप्रेजेंट करना है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वर प्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो कब है, 38, और कौन से डे को, मंडे। सो द आंसर इज देयर मंडे, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वर प्रेजेंट ऑन मंडे। फिर देखते हैं व्हाट इज़ द सम ऑफ द टोटल प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट फॉर द वीक, के पूरे हफ्ते में कितने बच्चे हैं। तो देखिए इन सब पर टोटल कर लिया गया कि मंडे को 38, ट्यूसडे को 36, फिर 29, 30, 35, 33, सो द टोटल स्टूडेंट इज द 200 मैन। एंड लास्ट क्वेश्चन था, ऑन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वर प्रेजेंट। तो देखिए सबसे कम जो बच्चे हैं मैंने कब रिप्रेजेंट किए, 29, कौन से डे को, वेडनेसडे। सो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन वेडनेसडे। ओके तो बच्चों इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें नहीं करना, जो 2 3 एंड 4 है वो आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, क्योंकि जो पिक्टोरियल ग्राफ्स होते हैं वो बार ग्राफ में नहीं बनते, ये आप इसी में ही बनाएंगे, और जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।